हेलो गाइस, वेलकम बैक आप सभी का अपने चैनल पे एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा स्वागत है गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे i16.4 के अपडेट को। अगर आप सभी ने अपने आईफोन्स में इंस्टॉल कर लिया है तो आपको इस फीचर के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही कमाल का फीचर है और बहुत ही ज़्यादा डेली रूटीन में यूज़ आने वाला फीचर है गाइस। जो इनकमिंग कॉल्स हैं वो आपके हर एक डिवाइस में आती रहती हैं और आप भी किसी एक दूसरे पर्सन को कॉल लगाते रहते हो अपने डे टू डे रूटीन में, तो इसीलिए आपको वॉइस आइसोलेशन के फीचर के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, जिसके साथ आप इसको वॉइस कैंसिलेशन को इनेबल कर सकते हो। जो भी कॉल आपके फोन में आएगी या किसी को आप कॉल लगाते हो तो उस टाइम के ऊपर आप अपने वॉइस कैंसिलेशन के मोड को ऑन करके बहुत ही बढ़िया क्लियर कट वॉइस दूसरे पर्सन को प्रोवाइड कर सकते हो और दूसरे पर्सन को आपकी बिल्कुल क्लियर वॉइस उसको सुनाई देगी, क्योंकि जब आप यहां पर वॉइस आइसोलेशन को सेलेक्ट करते हो तब आपकी वॉइस ही आपका फ़ोन पकड़ता है। बैकग्राउंड की वॉइस जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं मैटर करती उस टाइम जब आप इस सेकेंड वाले फीचर को ऑन करोगे। तो इस फीचर को हम कैसे इनेबल कर सकते हैं तो इसी के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर ये जो दो मोड्स हैं इसके बारे में भी बात करेंगे, इसका क्या काम है इन दोनों का, और यहाँ पर सेंटर वाले वॉइस आइसोलेशन का क्या काम है। तो सबसे पहले आपको अपने फोन कॉल की एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पर किसी एक पर्सन को अप्लाई करना है कॉल। तो यहाँ पर मैंने इस पर्सन को अप्लाई किया है कॉल। अब आपको यहाँ पर कंट्रोल सेंटर को ओपन करना है, तो यहाँ पर आपको माइक मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इसको आपने लॉन्ग टैप करना है। जैसे ही लॉन्ग टैप करोगे अब आपके सामने ये तीन ऑप्शंस आपको दिखाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहली है स्टैंडर्ड की, सेकेंड वाली है वॉइस आइसोलेशन, थर्ड वाली है वाइड स्पेक्ट्रम। जो स्टैंडर्ड मोड है उसके साथ आपकी स्टैंडर्ड वॉइस दूसरे पर्सन को सुनाई देगी और साथ वाली वॉइस भी उसको सुनाई देगी। सो गाइस, ये जो वॉइस आइसोलेशन का ऑप्शन है सेकंड नंबर के ऊपर, इसके साथ आप वॉइस कैंसिलेशन को ऑन कर सकते हो, जिसके साथ आपकी पूरी क्लियर कट आवाज दूसरे पर्सन को सुनाई देगी, जो कि एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर है। डे टू डे रूटीन में ये फीचर आपके बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला है। अगर आपने अपडेट कर लिया है अपने आईफोन्स को i16.4 के नए लेटेस्ट अपडेट के ऊपर, तो यहाँ पर जो थर्ड नंबर के ऊपर वाइड स्पेक्ट्रम जो है वो आप स्पीकर के टाइम आप यूज कर सकते हो, जिसके साथ आपके आसपास में जो सराउंडिंग्स में जो आवाजें होती हैं वो भी दूसरा पर्सन सुन सकेगा। बट यहाँ पर जो वॉइस आइसोलेशन का फीचर है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो, जिसके साथ आप वॉइस कैंसिलेशन के फीचर को यूज कर सकते हो अपने आईफोन में। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।